अच्छा, जो इसके बाद मेन जो तीसरी चीज़ है सीखने के लिए वो ये है कि आपके पास जो शेडिंग है, जो आप शेड करते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट में जो आप ड्रॉ करते हैं, तो वो किस तरह की होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, तो उसमें शेडिंग में आप ये देखेंगे जैसा मैंने इसमें मेंशन किया है कि सबसे पहले ऊपर देख रहे होंगे आप हैचिंग है। हैचिंग में क्या होता है कि आपकी जो लाइन्स हैं वो नज़र प्रोमिनेंट हो रही होती हैं किसी भी चीज़ में। अगर आप ड्रॉ करते हैं किसी भी चीज़ को, उसके अंदर शेडिंग करते हैं, तो वो लाइंस की सूरत में होती हैं। अब इसमें यहाँ पे आपने देखा है कि किस तरह यहाँ पे लाइंस नज़र आ रही हैं, इस साइड पे भी लाइंस नज़र आ रही हैं। इसमें तीन चार टोन्स में शेडिंग हुई है, यहाँ पे शेडो क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे डार्क हो रहा है, तो इससे हमें लाइट सोर्स का भी पता चल रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे भी सेम इस तरह ही उसे ट्रीट किया गया, इधर भी सेम इस तरह ट्रीट किया। उसके बाद हम देखते हैं कि नीचे हमारे पास आ जाता है क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग में आप चार तरह की जो है वो शेप्स हैं जिनमें डिफरेंट तरह से उसे क्रॉस हैचिंग उसमें की गई है। फर्स्ट में देखिए, जिस तरह क्रॉसिंग में आप क्या कर रहे होते हैं कि आप देखते हैं जैसा कि आप ये शेडिंग कर रहे हैं, आपकी लाइंस नज़र आती हैं लेकिन आप डिफरेंट डायरेक्शन से भी उसको शेड कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास हैचिंग में आ जाता है, क्रॉस हैचिंग में। उसके बाद आप देखें यहाँ थर्ड पे है स्ट्रिपलिंग। स्ट्रिपलिंग में क्या होता है, आप डॉट्स की तरह उस पर पॉइंट्स डॉट लगा के आप उसको डार्क, जिस साइड पे ज़्यादा डार्क पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे वो डार्क एरिया हो जाता है, डार्क शेड में चला जाता है, और जहाँ पे लाइट होते हैं वहाँ पे लाइट होता जाता है। सेम इस तरह यहाँ पे मेंशन है कि कम डॉट्स हैं, यहाँ पे ज़्यादा डॉट्स हैं, और यहाँ पे शेडो क्रिएट हो रहा है, तो इन चीज़ों से भी आप एक जो है स्टिपलिंग के थ्रू भी आप ड्राइंग कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्टाइल पसंद है। उसके बाद आती है ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक है, जिसको हर जगह यूज़ किया जाता है, मोस्टली हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज लेवल में ब्लेंडिंग का लोगों को पता होता है। बाकी चीज़ों का इतना ज़्यादा इलम नहीं होता, लेकिन ब्लेंडिंग का आइडिया होता है, तो आप इस चीज़ को भी यूज़ करते हैं। ब्लेंडिंग में क्या है कि आप प्रॉपर एक शेडिंग को, जैसा भी आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ जी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हम ब्लेंडिंग को कुछ इस तरह करके जिसमें आपकी लाइंस नज़र नहीं आती, और इसी तरह ही आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपने डार्क से लाइट की तरफ जाना है, और उसके आगे कि ये सारा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आप जितनी ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह शेडिंग की जा सकती है, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पे कोई लाइंस नज़र आती हैं, आप उसको शेडिंग के साथ मज़ीद उसे बेहतर करें। तो ये प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है। डार्क करना चाहिए आप उसको डार्क में करें, ये सारा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। इस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने से पहले आप इसको प्रैक्टिस करें। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, लाइंस की प्रैक्टिस करें, हर डायरेक्शन में लाइंस को लेके आएं। और इसको फिर आगे हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, और आप मेरे पेज को लाइक भी करें। चीज़ आपको मैं गाइड करना चाहता हूँ इसके हवाले से कि शेडिंग जो है, शेडिंग शेप्स के, शेप्स में किस तरह की शेडिंग्स होती हैं, तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग आपकी बड़ी ज़रूरी है कि आप पहले वैल्यू स्केल, वैल्यू जो जिस तरह यहाँ पे मेंशन है कि वैल्यू स्केल क्या होता है, आप एक जो है आपको को चाहिए कि आप जब भी कोई ड्राइंग करें, ड्राइंग के स्टार्ट करने से पहले एक साइड पे, एक साइड पे, मतलब ये अगर ये पेज है मेरे पास तो इसके एक साइड पे आप ग्रिड बना लें। ग्रिड में आप क्या करेंगे, आपने इस तरह करके ब्लॉक बना के ग्रिड बना लें, उन्हें आपस में जोड़ लें। उस ग्रिड के बाद उसमें जो आपकी शेप है, फर्ज करें अगर आप ये शेप ड्रॉ कर रहे हैं और इसमें आपको देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 टाइप के आपके पास इसमें शेडिंग नज़र आ रही है आपको, तो आप इसी शेडिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे।
और आप इनको एक रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे आप उसी टोन्स को जो आपको नज़र आ रही हैं आप उनको यहाँ पे फील कर दें। यहाँ पे डार्क हो गया, फिर से ज़्यादा लाइट में ले आएँ, जिस तरह इस ब्लॉक में आपको बताया गया है कि डार्कर टोन है, लाइटर, फिर लाइटर, फिर से लाइटर, फिर वाइट में। तो आप इसी तरह ही एक ग्रिड हर ड्राइंग के साइड पर बनाएँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। अच्छा, उसमें ये कि वैल्यू स्केल बनाने वो लाजमी है, कंपलसरी। उसके बाद आपने ये करना है कि सेकंड पॉइंट है कि वो फ्लैट शेडिंग, मतलब आप कोई बॉक्स या कोई फ्लैट सरफेस है जो आपने ड्रॉ कर रहे हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप फ्लैट शेडिंग करते हैं। तो पहले जो इसके बनाने का एक तरीका बताया गया कि आप इस तरह के साथ डॉट लगा लें और उसके बाद उसकी शेप्स को आपस में जोड़ें और जे हमारे पास ये स्पेस आ जाएगी, ये हमारे पास शेप आ जाएगी, उस शेप के बाद आप मज़ीद आगे उसकी डिटेल करके एक बॉक्स बना लेते हैं। जब उसकी शेडिंग की बारी आती है तो आप ये देख रहे होंगे कि ये एरिया हमारे इसके साथ 4 है, यहाँ पर 4 मेंशन किया है, तो 4 हमारा 4 के साथ जा रहा है, 3 हमारी 3 की जो शेडिंग है वो 3 के साथ जा रही है, 2 एरिया इसके साथ जा रहा है, और 3 ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, तो इसकी शेडिंग भी हम यहाँ पे ब्लॉक। इससे काफ़ी ज़्यादा इजीली आप ड्राइंग सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ रिजेंबल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास शेड कार्ड आ जाता है तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। और इसके बाद इसके ऊपर लिखा भी गया है कि किस तरह की टोन्स हैं, ये लाइटर ग्रे है, मीडियम ग्रे है, डार्क ग्रे है, ब्लैक है और वाइट में आ गया। तो ये चीज़ें हैं जो आपने लाजमी फॉलो करनी है। थर्ड नंबर पे आपके पास आ रहा है राउंड शेड। राउंड शेड में आप किस तरह चीज़ों को देख रहे हैं, इसमें भी आपकी एक लेयर्स में ही काम हो रहा होता है। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं वन लेयर है, यहाँ पे हमने ऊपर मेंशन किया था वन लेयर, फिर उसके बाद आपके पास सेकंड, फोर्थ, यहाँ पे भी सेकंड। तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे ब्लेंडिंग के साथ इसको ब्लेंड करेंगे, इसके ब्लेंडिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए यहाँ पे एक शेप बनाएंगे। और ये आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि हम किस तरह इस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ जो है, फोर्थ में हमारे पास क्या है, बैनर शेडिंग। बेसिकली वो होता है कि आप एक कर्व आ रहा होता है, फ़र्ज़ करें जिस तरह यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक कर्व है, आप कर्व के थ्रू ही उसकी शेडिंग को, अभी आपके पास एक बैनर आ गया तो आप इस साइड से डार्क कर रहे होंगे, तो वो शेडिंग वो एक डिफरेंट टेक्निक है, उसको भी इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको उसकी टेक्निक के हवाले से भी बताऊंगा कि हम ये किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। फिर पैरामिड शेडिंग आ गई। पैरामिड शेडिंग में भी इस तरह है कि फ्लैट सर्फेस, जिस तरह हमारे पास ऊपर यहाँ पर ये एरिया फ्लैट है, तो इसकी भी सर्फेसिस फ्लैट होती हैं लेकिन उसकी शेप डिफरेंट होती है। तो इस शेप को फॉलो करते हुए पॉइंट्स के साथ, जिस तरह यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं, यही पॉइंट्स इसमें हमने ऐड किए हैं, तो इन चीज़ों को आप लाजमी देखें, फॉलो करें और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो बाकी चीज़ें हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। बाकी मेरे पेज को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी।